हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली किचन चैनल पर। और आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा मीठा कद्दू, जिसे हम सीताफल के नाम से और पम्पकिन के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनने वाली है, और इस रेसिपी को हम बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री की आवश्यकता होती है। आओ देखते हैं इसे क्या क्या सामग्री की हमें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले पम्पकिन कद्दू या सीताफल ये लिया है हमने 250 ग्राम के करीब, और मेथी दाना, चीनी, जीरा, सौंफ और थोड़ा सा रसा लिया है इमली का, और सेंधा नमक और धनिया गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हमारे को इन मसालों को, जो भी हमारे मसाले हैं, इनको हमने रोस्ट करना है। इसके लिए मैं पैन रख रहा हूँ, मसाले मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इन मसालों को हमने 2 से 5 मिनट तक ही रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद इन मसालों को हमने मिक्सी के जार में, अब मैं इन्हें मिक्सी में डालकर पीसता हूँ। और इधर मैंने पम्पिन के छोटे टुकड़े कर लिए हैं सीताफल के, और इसे धो के ये मसाला मैंने पीस लिया है। और ये मसाला कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और पम्पिन जो काटे हुए थे, उसके लिए मैंने पैन के ऊपर तेल, सरसों का तेल रख दिया। आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो कटे हुए सीताफल हैं उनको हम डालेंगे। थोड़ा चलाएंगे इसे, और थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल के 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर इसे हम ढक देंगे और इसे पका लेंगे। ये 5 से 7 मिनट हो गया है इसे, अब ये बिल्कुल तैयार है सीताफल। अब इसमें हम जो मसाला पीसा था वो डालेंगे, इसको ऐड कर लेंगे मसाले को, और फिर इसे मिला लेंगे। और ये जो सीताफल की सब्जी है, एकादशी व्रत में भी बहुत बनाते हैं लोग, व्रत में खाई जाती है, क्योंकि ये इसमें किसी भी तरह का और मसाला नहीं डलता है, और सेंधा नमक का इसमें हम यूज़ करते हैं। और ये लगभग बन के तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे चीनी थोड़ी सी, इससे मिठास आएगी। इसे भी मिला लेंगे, और इसमें हम डालेंगे इमली का रस, और 5 से 7 मिनट इसे हम धीमी आंच पे, मुझे 5 से 7 मिनट इसे हो गए हैं पकाते हुए। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और व्रत में तो इसे बहुत ज़्यादा खाया जाता है सब्जी को, और वैसे भी खाएं और अच्छा लगने वाला है परांठों के साथ। अब इसलिए ये बन बन के तैयार है। गैस को कर रहा हूँ मैं बंद, और ऊपर से गार्निश करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। अब मैं इसे सर्व करता हूँ प्लेट। रेसिपी बन के तैयार है, आप देख ही रहे हो कितनी बढ़िया लग रही है। आप इसे जब एकादशी व्रत में ऊटू के आटे के साथ भी खा सकते हैं, और सिंपली आटे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी को बजाना ना भूलें। बाय बाय।